दोस्तों, हम लोग कक्षा 8 की एनसीईआरटी पढ़ रहे थे, जिसमें कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था। कल हम लोगों ने प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ा था, और हमने पढ़ा था कि दहन क्या होता है, दहन के टाइप क्या होते हैं। दोस्तों, आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम डिफॉरेस्टेशन के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है क्या, वनोन्मूलन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब है कि पेड़ों को काट देना, किसके लिए, लैंड को, अदर पर्पस के लिए, जमीन को यूज करने के लिए पेड़ों की कटाई करना ही क्या कहलाता है डिफॉरेस्टेशन। तो दोस्तों, जो ये पेड़ों की कटाई हो रही है, उनके पर्पज क्या हो सकते हैं। उनके पर्पज हो सकते हैं कि कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना। कृषि के लिए पहला पर्पज क्या हो सकता है पेड़ों की कटाई का, कि कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना। दूसरा क्या हो सकता है कि वहां पे क्या हो, बिल्डिंग बनाना हो, हाउस बनानी हो, कोई घर या कोई फैक्ट्री बनाना हो, जिसके लिए हमें जमीन चाहिए, तो भी हम पेड़ों की कटाई कर देते हैं। और क्या, अगर इन सब का क्या है, पेड़ों का फर्नीचर बनाना हो, कोई फर्नीचर बनाना हो, या इंधन के फ्यूल के रूप में इसे यूज करना हो पेड़ों को, तो भी हम पेड़ों की कटाई कर देते हैं। दोस्तों, ये जो पेड़ों की कटाई हो रही है, इसके क्या परिणाम निकलते हैं। इसके परिणाम ये निकलते हैं कि पृथ्वी पर जो ताप होता है, और प्रदूषण स्तर में क्या होता है, प्रदूषण स्तर में वृद्धि हो जाती है। पृथ्वी पर ताप और प्रदूषण स्तर में वृद्धि हो जाती है। और वायुमंडल में क्या होता है, वायुमंडल में दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि पौधों को क्या कहा जाता है, जंगल का लंग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पौधे जो होते हैं वो ऑक्सीजन एनिमल को देते हैं, और एनिमल के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, पौधे उसका फोटोसिंथेसिस में या भोजन बनाने में यूज करते हैं, और फोटोसिंथेसिस से निकली ऑक्सीजन ये एनिमल को देते हैं। यदि पौधे रहेंगे ही नहीं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कौन करेगा। इसलिए जो है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। और क्या होता है, पेड़ों की कटाई से जो भौम जल होता है, भौम जल स्तर, इसका निम्नीकरण हो जाता है, क्योंकि प्रदूषण और सब कुछ बढ़ गया, इसका निम्नीकरण हो जाता है। यदि दोस्तों वृक्षों की कटाई चलती रहे, वृक्षों की कटाई जारी रहेगी, तो भूमि की जो उर्वरता है उसमें भी कमी आ जाएगी, क्योंकि जब पेड़ रहेंगे ही नहीं, तो जो जो हवा और तेज आंधी चलती है, तो जो मिट्टी की उर्वरक परत या ऊपरी परत जिसमें ह्यूमस ज्यादा होता है, वो सब उड़ जाता है, क्योंकि जड़ मिट्टी के लेयर को अपने से बांध कर रखता है। यदि वृक्ष रहेंगे ही नहीं, तो इसकी उर्वरता में क्या है, कमी आ जाएगी। दोस्तों, सूखा क्या होता है, ड्रॉट। ड्रॉट का मतलब होता है सूखा। जब टेम्परेचर जो है अर्थ सरफेस का बढ़ता है दोस्तों, तो ये जल साइकिल को डिस्टर्ब करता है। इससे क्या होता है, रेनफॉल बहुत कम होती है, इसे ही हम कहते हैं सूखा। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे डिजर्टिफिकेशन। इसका मतलब क्या होता है, मरुस्थलीकरण। दोस्तों, अभी हमने बताया, यदि पेड़ पौधों की कटाई चलती रही, वृक्ष नहीं रहेंगे, तो जो टॉप लेयर की सॉयल है, जिसको जड़ अपने से बांध के रखती है, तो वो सब हट जाएंगी। तो डिजर्टिफिकेशन या मरुस्थलीकरण का मतलब है टॉप लेयर ऑफ सॉयल का हट जाना, जिससे जो इसके नीचे की हार्ड और रॉकी लेयर होती है दोस्तों, वो दिखने लगती है। इस सॉयल में क्या होता है, ह्यूमस की मात्रा बहुत कम होती है। हमने बताया था, जब सॉयल हॉरिजॉन बता रहे थे, हम इसको पढ़ा चुके हैं दोस्तों, हमने बताया था जो टॉप लेयर होती है सॉयल की, उसमें ही ह्यूमस की मात्रा सबसे
ज्यादा होती है और जो हॉरिजॉन बी होता है उसमें ह्यूमस की मात्रा कम होती है। तो जो ये सॉयल है जिसमें कम ह्यूमस है वो दिखने लगती है, ये फर्टाइल बहुत कम होती है, जिससे क्या होता है फर्टाइल लैंड क्या होता है धीरे धीरे किसमें मरुस्थल में कन्वर्ट हो जाता है, इसे ही कहते हैं डिजर्टिफिकेशन। ये और क्या करता है, ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है सॉयल की, इसको भी डिक्रीज करा देता है मरुस्थलीकरण। तो दोस्तों अभी तक हमने पढ़ा डिजर्ट डिफॉरेस्टेशन क्यों होता है, अगर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो इसके परिणाम क्या निकलते हैं, सूखा और मरुस्थलीकरण, ये सब इसके परिणाम है। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे बायोस्फीयर, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, जयोमंडल। पृथ्वी का वह भाग जहां पे जीवित ऑर्गेनिज्म रहते हैं या जो जीवन यापन के योग्य है, जो पार्ट धरती का, उसे ही क्या कहते हैं, जयोमंडल। बायोडायवर्सिटी दोस्तों इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसका मतलब है कि डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म इस धरती पर रह रहे हैं, इसका मतलब होता है कि यहाँ की बहुत अलग अलग टाइप की डायवर्सिटी यहाँ पे पाई जाती है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्टेड एरिया क्या होता है, प्रोटेक्टेड एरिया को हम हिंदी में क्या कहते हैं, आरक्षित क्षेत्र। आरक्षित क्षेत्र दोस्तों प्रोटेक्टेड एरिया क्या है, अगर हमको प्रोटेक्ट करना हो फ्लोरा को, फ्लोरा का मतलब होता है दोस्तों हमारी प्लांट स्पेसिमन, और फौना का मतलब होता है एनिमल स्पेसिमन। अगर हमको अपनी प्लांट और एनिमल स्पेसिमन को प्रोटेक्ट करना है तो हम ऐसे हैबिटेट को चुनते हैं जिसे आरक्षित क्षेत्र कहा जाता है। उस आरक्षित क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं दोस्तों, उसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, नेशनल पार्क आते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व आते हैं, इसको आरक्षित क्षेत्र चिन्हित किया गया है। दोस्तों अब पहला आरक्षित क्षेत्र क्या है, पहला आरक्षित क्षेत्र है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसे हम क्या कहते हैं, अभयारण्य कहते हैं, अभयारण्य कहते हैं। ये एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें एनिमल अपने हैबिटेट में किसी भी विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, अभयारण्य कहा जाता है। दोस्तों दूसरा आरक्षित क्षेत्र क्या है, नेशनल पार्क, या इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, राष्ट्रीय उद्यान। ये एक ऐसा एरिया है जिसमें वन्य जीव क्या है, रिजर्व रहते हैं, और वे अपने हैबिटेट का और नेचुरल रिसोर्सेस का स्वतंत्र होके यूज कर सकते हैं, तो उसे उस एरिया को क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। दोस्तों अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम आरक्षित क्षेत्र में पढ़ेंगे बायोस्फीयर रिजर्व, जिसे क्या कहते हैं, जयोमंडल। आरक्षित क्षेत्र जयोमंडल, आरक्षित क्षेत्र दोस्तों यह एक विशाल क्षेत्र है, किसके लिए विशाल क्षेत्र है, किसको सुरक्षित रखने के लिए, वाइल्ड लाइफ को, प्लांट को, एनिमल को, और जो आदिवासी ढंग से जीवन यापन कर रहे होते हैं उन सब लोगों के रहने का एक सुरक्षित स्थान है, उसे हम कहते हैं जयोमंडल आरक्षित क्षेत्र। तो इसमें प्लांट, एनिमल, वाइल्ड लाइफ सब लोग इसमें रहते हैं जयोमंडल आरक्षित क्षेत्र में। दोस्तों इसका एक एग्जाम्पल है जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है। इसमें क्या है, इसमें एक नेशनल पार्क है, इसमें एक नेशनल पार्क है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है सतपुरा। इसमें एक नेशनल पार्क है जिसका नाम सतपुरा है, और दो इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सेंचुरी है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है बोरी, बोरी एंड पंचमढ़ी, पंचमढ़ी उसका नाम है बोरी और पंचमढ़ी, पंचमढ़ी। और इसमें क्या है, इसमें 55 चट्टान आवास जो है, 55 चट्टान आवासों की पहचान की गई है,
पहचान की गई है। जो दोस्तों पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें कौन कौन से प्लांट पाए जाते हैं, उसमें साल पाया जाता है, सागौन पाया जाता है, इसमें अर्जुन नामक एक पेड़ होता है वो पाया जाता है, आम पाया जाता है, जामुन पाया जाता है, तो इसमें ये पेड़ पाए जाते हैं। अभी हमने बताया बायोस्फीयर रिजर्व में क्या होता है, वाइल्ड लाइफ भी होती है, प्लांट भी होते हैं, एनिमल भी होते हैं और आदिवासी ढंग से जीवन यापन करने वाले लोग भी होते हैं। तो प्लांट के बारे में बताया, एनिमल इसमें क्या रहते हैं, इसमें एनिमल के रूप में नील गाय और हिरन, हिरन हिरन हो गई, तेंदुआ हो गया, जंगली कुत्ता हो गया, भेड़िया हो गया, ये सब इसमें एनिमल रहते हैं। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे एंडेमिक स्पेसीज, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, विशेष विशेष क्षेत्रीय प्रजाति। एंडेमिक स्पेसीज को क्या कहते हैं, विशेष क्षेत्रीय प्रजाति। ये स्पेसीज होती है प्लांट और एनिमल की जो विशेष रूप से विशेष क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, विशेष क्षेत्रीय प्रजाति या एंडेमिक स्पेसीज कहते हैं। ये किसी और स्थान पे नेचुरली नहीं पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए अभी हमने बताया था पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है वहां की एंडेमिक स्पेसीज में कौन सी प्लांट स्पेसीज वहां पे एंडेमिक है, मतलब उस विशेष क्षेत्र में पाई जाती है, तो साल और जंगली आम जो है वहां पे एंडेमिक स्पेसीज के रूप में पाई जाती है। और अगर कोई पूछे वहां कौन से एनिमल हैं जो विशेष रूप से उसी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो बिसन और जो है इंडियन ग्रेट स्क्वायरल, मतलब भारतीय विशाल गिलहरी, स्क्वायरल और क्या पाए जाते हैं, फ्लाइंग स्क्वायरल और एंडेमिक फौना, ये सब क्या है, एंडेमिक फौना है। अभी हमने बताया एनिमल के लिए फौना यूज करते हैं, प्लांट के लिए फ्लोरा यूज करते हैं। तो याद रखिएगा ये विशेष रूप से इसी क्षेत्रों में पाई जाने वाली पौधे और एनिमल की जातियां हैं जो कहीं और नहीं पाई जाएंगी नेचुरली। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे स्पेसीज क्या होती है। स्पेसीज एक ग्रुप होती है पॉपुलेशन की जो कैपेबल होती है इंटरब्रीडिंग करने में। इसका मतलब क्या है, इंटरब्रीडिंग का मतलब मेंबर्स जो होते हैं स्पेसीज के वो प्रोड्यूस करते हैं ऑफस्प्रिंग, कब, जब अपने ही मेंबर ऑफ स्पेसीज के साथ वो इंटरब्रीड करते हैं तो वो स्पेसीज पैदा करते हैं। बट वो दूसरे मेंबर ऑफ स्पेसीज के साथ इंटरब्रीड नहीं कर सकते हैं, इसे ही हम स्पेसीज कहते हैं। दोस्तों ये नोट बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो सतपुरा का नेशनल पार्क है सतपुरा का, वो फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट है इंडिया का। दोस्तों अगर पूछा जाए फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट इंडिया का कौन सा है, तो सतपुरा नेशनल पार्क है। और इसमें क्या पाया जाता है, इसमें सर्वोत्तम किस्म की क्या पाई जाती है, इंडियन टीक पाई जाती है। इंडियन टीक ये एक पौधा है जो इसके जंगलों में पाया जाता है, सर्वोत्तम किस्म की इंडियन टीक पाई जाती है। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे टाइगर प्रोजेक्ट। टाइगर प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था किस लिए, टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी कंट्री में, जिससे उनका सर्वाइवल और मेंटेनेंस टाइगर के पॉपुलेशन का बना रहे। दोस्तों सरकार लाई तो टाइगर प्रोजेक्ट, लेकिन फिर भी टाइगर की संख्या जो है हमारे जंगलों से, टाइगर गायब हो रहे हैं। लेकिन एक अनोखा एग्जांपल है दोस्तों, सतपुरा का जो टाइगर रिजर्व है वो बहुत अनोखा है, क्योंकि उसमें जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो वहां पे इंक्रीज हो रही है, इसलिए वो अनोखा एग्जांपल है। तो याद रखिएगा कहाँ पे टाइगर की संख्या इंक्रीज हो रही है, तो सतपुरा में जो टाइगर रिजर्व है वहां पे टाइगर की संख्या बढ़ रही है।
दोस्तों अब हम पढ़ेंगे एंडेंजर्ड एनिमल। इसका मतलब है संकटा संकटापन्न पन्न एनिमल। संकटापन्न जंतु क्या होते हैं? ऐसे एनिमल जिनकी संख्या क्या है? जिनकी संख्या विलुप्त होने की कगार पे है। और वे क्या है? वे विलुप्त भी हो सकते हैं। उसे क्या कहते हैं? संकटापन्न एनिमल कहते हैं। मतलब इनकी संख्या विलुप्त होने के कगार पे है या वो विलुप्त भी हो सकते हैं। दोस्तों इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम का मतलब है परितंत्र। परितंत्र ये बना होता है किसमें? इकोसिस्टम में दोस्तों लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट दोनों होते हैं। तो लिविंग कंपोनेंट के रूप में सारे प्लांट एनिमल माइक्रोब्स होते हैं, और नॉन लिविंग कंपोनेंट के रूप में वहां की क्लाइमेट हो गई, सॉयल हो गया, रिवर हो गया। तो लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट दोनों मिलके क्या बनाते हैं? इकोसिस्टम। दोस्तों ये जरूर याद रखिएगा कि रेड डाटा बुक में किसका रिकॉर्ड रखा जाता है? रेड डाटा बुक में जितनी भी संकटापन्न एनिमल और प्लांट है उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, प्लांट और एनिमल दोनों का रिकॉर्ड रेड डाटा बुक में रखा जाता है। दोस्तों अब इसके बाद हम पढ़ेंगे सेल। दोस्तों सभी जीवों को जीवित रहने के लिए सेल चाहिए। तो सेल क्या है? बेसिक यूनिट है लाइफ की सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। अगर उनके पास सेल नहीं होगा तो वो जीवित नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है? सेल जो होता है वो स्ट्रक्चरल फंक्शनल और फंडामेंटल यूनिट है। किसका? सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का। दोस्तों सेल की खोज कैसे हुई? सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट रॉबर्ट हुक ने। हुक ने सेल की खोज की थी कब? 1665 में। जब इन्होंने इसकी खोज कैसे की थी? इन्होंने लिया थिन थिन स्लाइस ऑफ कार्क। ये कार्क क्या है दोस्तों? एक पेड़ की छाल है। इन्होंने लिया थिन स्लाइस ऑफ कार्क और इसको मैग्नीफाइंग लेंस से जब इसको देखा तो इन्होंने क्या देखा कि जो है इसमें थिन स्लाइस ऑफ कार्क में बहुत से कंपार्टमेंट हैं जो छोटे छोटे डिब्बों के रूप में है। ये कंपार्टमेंट ये इन्हें कैसे दिखाई दिए? ये इन्हें मधुमक्खी के छत्ते की तरह कंपार्टमेंट इनको दिखाई दिया। और इन्होंने ये भी नोटिस किया हर एक डिब्बा दूसरे डिब्बे से एक पार्टीशन के द्वारा अलग है। तो इन्होंने इन डिब्बों को क्या नाम दिया? इन्होंने इन डिब्बों को सेल का नाम दिया। ये कॉर्क सेल है, आप देख रहे होंगे कॉर्क सेल। इसको रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व किया। ये आप देख रहे होंगे छोटे छोटे इसमें डिब्बे दिख रहे होंगे जो मधुमक्खी के छत्ते के समान है। और इन्होंने ये देखा कि हर एक डिब्बा दूसरे डिब्बे से एक पार्टीशन के द्वारा अलग है, तो इसलिए इन्होंने हर एक डिब्बे को क्या दिया? इसको सेल का नाम दिया। दोस्तों यूनिसेलुलर नाम से ही पता चल रहा है, यूनि का मतलब होता है सिंगल सेल। तो ये किसके बने होते हैं? सिंगल सेल के। इसका एग्जांपल दोस्तों होता है अमीबा एंड पैरामीशियम। पैरामीशियम हमने पिछले भी क्लास में बताया था, अमीबा एंड पैरामीशियम ये सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी का मतलब ही होता है दोस्तों मेनी। इनका जो शरीर होता है बहुत सी सेल का बना होता है। जो ह्यूमन बीइंग होते हैं वो ट्रिलियन ऑफ सेल से बने होते हैं। और हर एक सेल का अपना अलग अलग फंक्शन होता है। दोस्तों सेल क्या हो सकते हैं? सेल स्फेरिकल भी हो सकते हैं, इलांगेटेड भी हो सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे ये किसकी सेल है? ये आरबीसी की सेल है। आप ये देख रहे होंगे ये गोल है स्फेरिकल, और ये स्मूथ मसल सेल की, ये स्पिंडल शेप है, और ये नर्व सेल है। ये स्मूथ मसल सेल है, स्पिंडल शेप है, ये नर्व सेल है। आप देख रहे होंगे लॉन्ग पॉइंटेड टैपरिंग एंड है इसका। ये मैसेज को कैरी करता है नर्व सेल। दोस्तों साइज ऑफ सेल, जो सेल होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो
मतलब मिलियनथ ऑफ मीटर से वो सेंटीमीटर तक भी हो सकता है। मिलियनथ ऑफ मीटर का मतलब माइक्रोमीटर या लार्ज, वो सेंटीमीटर तक भी हो सकता है। दोस्तों ये याद रखिएगा कि जो टिपिकल यूकैरियोटिक सेल हैं, इनका साइज कितना होता है? 10 to 20 माइक्रॉन, 20 माइक्रॉन। और जो वायरस होते हैं इनका साइज 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर होता है। और जो बैक्टीरिया होते हैं इनका साइज 0.5 माइक्रोमीटर होता है। दोस्तों अगर पूछा जाए लार्जेस्ट सेल किसका होता है, तो होता है एग ऑफ ऑस्ट्रिच का। ऑस्ट्रिच का एग ऑफ ऑस्ट्रिच का लार्जेस्ट सेल होता है, इसकी साइज 170 x 130 mm होती है। तो लार्जेस्ट सेल किसका होता है? एग ऑफ ऑस्ट्रिच का। दोस्तों इसको याद रखिएगा। टीसू दोस्तों किसे कहते हैं? टीसू जो है ग्रुप है किसका? सिमिलर सेल का, जो परफॉर्म करती है स्पेसिफिक फंक्शन, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम टीसू कहते हैं। दोस्तों सेल के कौन कौन से पार्ट होते हैं? सेल के पार्ट होते हैं बेसिक कंपोनेंट, उसमें सेल मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस होता है। दोस्तों न्यूक्लियस याद रखिएगा क्या होता है। न्यूक्लियस सेंटर ऑफ सेल में लोकेटेड होता है। न्यूक्लियस सेपरेटेड किससे होता है? साइटोप्लाज्म से, एक मेम्ब्रेन के द्वारा, जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। यह मेम्ब्रेन न्यूक्लियर पोरस होती है, जिससे मटेरियल का आदान प्रदान साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर होता रहता है। न्यूक्लियस के अंदर एक स्फेरिकल बॉडी होती है, जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। इसको याद रखिएगा। न्यूक्लियस क्या कंटेन करता है? दोस्तों थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसे क्रोमोसोम कहते हैं। इसका काम क्या होता है? जीन को कैरी करना और हेल्प करता है इनहेरिटेंस, या ट्रांसफर करता है करेक्टर को पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में। क्रोमोसोम दोस्तों तभी दिखते हैं जब सेल को डिवाइड करना होता है। और न्यूक्लियस क्या काम करता है? कंट्रोल सेंटर होता है सेल का। दोस्तों आप ये देख रहे होंगे, ये एक सेल का स्ट्रक्चर है। इसमें आप देख रहे होंगे कि ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये आप देख रहे हैं, ये साइटोप्लाज्म है। अभी हमने बताया न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म से सेपरेटेड होता है, किससे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा। और सेल किससे कवर्ड होता है? सेल कवर्ड होता है सेल मेम्ब्रेन से। और साइटोप्लाज्म किसे कहते हैं? साइटोप्लाज्म जेली लाइक मटेरियल होता है, जो सेल के बीच में और न्यूक्लियस, सेल और न्यूक्लियस के बीच में भरा होता है, उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। दोस्तों आप पढ़ेंगे प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, इन दोनों को मिला के कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। या हम कह सकते हैं कि जितना भी लिविंग कंटेंट होता है सेल का, वो उस सेल का कहलाती है प्रोटोप्लाज्म। इसे हम हिंदी में कहते हैं जीव द्रव्य। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। प्रोकैरियोटिक सेल किसे कहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल उसे कहते हैं जिनके पास कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो नेक्ड होता है, इसके पास कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, इसे ही हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। इसका एग्जाम्पल है दोस्तों बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड माइकोप्लाज्मा, ये सब प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल हैं। दोस्तों यूकैरियोटिक सेल क्या होती है? इनके पास न्यूक्लियर मटेरियल होता है और इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो मेम्ब्रेन से इनक्लोज होता है, इसलिए इनको यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। इसमें सारे ऑर्गेनिज्म आएंगे एक्सेप्ट बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा को छोड़ के बाकी सारे ऑर्गेनिज्म वो यूकैरियोटिक होते हैं। जीन क्या है दोस्तों? याद रखिएगा, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस किसे माना जाता है? जीन को माना जाता है, क्योंकि ये ट्रांसफर करता है करेक्टर को फ्रॉम पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। वैक्यूल क्या होता है दोस्तों? वैक्यूल जो होता है ये मेम्ब्रेन बाउंडेड स्पेस है। कहाँ? साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। दोस्तों इसके अंदर क्या होता है? वाटर होता है, सैप भरा होता है,
होता है, एक स्वीटरी प्रोडक्ट होता है, लेकिन ये सब सेल के लिए यूजफुल नहीं होते हैं। दोस्तों अगर ये पूछा जाए इसके अराउंड कौन सी सिंगल मेम्ब्रेन से वैक्यूल ढका होता है, तो उसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। वैक्यूल बहुत ज्यादा कॉमन होता है प्लांट में, क्योंकि ये प्लांट का कितना 90% पार्ट ऑक्यूपाई करता है प्लांट सेल का, जबकि एनिमल सेल में वैक्यूल बहुत छोटी होती है। तो ये नीचे वाली लाइन जरूर याद रखिएगा, प्लांट सेल में वैक्यूल 90% पार्ट ऑफ सेल को ऑक्यूपाई करता है, जबकि एनिमल सेल में वैक्यूल बहुत छोटी होती है। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है, सेल वॉल किसमें पाई जाती है? दोस्तों सेल वॉल केवल प्लांट में पाई जाती है, केवल प्लांट में पाई जाती है, सेल वॉल एनिमल में नहीं पाया जाता है। सेल वॉल क्या होता है दोस्तों? नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होता है, इसे हम सेल वॉल कहते हैं। यह आउटर कवरिंग बनाता है किसका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। किसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन का? फंजाई और प्लांट का। सेल वॉल ना तो केवल देता है शेप ऑफ सेल, बल्कि सेल को प्रोटेक्ट करता है किससे? कोई मैकेनिकल डैमेज ना होने पाए, कोई इन्फेक्शन ना होने पाए। दोस्तों ये सेल वॉल किसका बना होता है? सेलुलोज का, हेमी सेलुलोज का, पेक्टिन और प्रोटीन का ये सेल वॉल बना होता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा सेल वॉल किसका बना होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों प्लास्टिड, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी कि ये केवल प्लांट में पाया जाता है। प्लास्टिड पिगमेंट के आधार पे प्लास्टिड को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट नाम से ही पता चल रहा है इसमें क्या पाया जाएगा, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है दोस्तों? फैट के ग्लोब्यूल होते हैं जिसमें कैरोटीनॉइड पिगमेंट कैरोटीन और जैंथोफिल आता है, जिसकी वजह से ही प्लांट कैसा होता है? पीला होता है, ऑरेंज होता है और रेड कलर के होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट दोस्तों क्या है? ये कलरलेस प्लास्टिड है, ये वेरियस शेप और साइज के होते हैं। इसका काम क्या है? पोषक तत्वों को स्टोर करना। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे कि जो एमाइलोप्लास्ट होता है, एमाइलोप्लास्ट इसका काम है स्टार्च को स्टोर करना। जो इलायोप्लास्ट है इसका काम है फैट स्टोर करना। और जो एल्यूरोप्लास्ट है इसका काम है प्रोटीन को स्टोर करना। दोस्तों ये नोट बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि सेल जो होती है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन की वो डेड होती है, और एक एवरेज एडल्ट मैन कितना 2 kg जो है डेड स्किन वो कैरी करता है, और बिलियंस ऑफ टाइनी फ्रेगमेंट हमारे स्किन से हर दिन लॉस्ट होते हैं। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट नोट है। आप ये देख रहे होंगे कि ये प्लांट सेल है, इसमें सेल वॉल दिखाई गई है, और क्लोरोप्लास्ट ये आप देख रहे होंगे, क्लोरोप्लास्ट इसमें पाया जा रहा है प्लास्टिड के रूप में प्लांट सेल में, ये इसमें आप देख रहे होंगे। वैक्यूल हमने बताया था कि प्लांट सेल में वैक्यूल 90% पार्ट को ऑक्यूपाई करता है प्लांट सेल में क्या है ये देख रहे होंगे आप। ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर ये साइटोप्लाज्म भी पाया जाता है, इसमें प्लांट सेल में न्यूक्लियस भी पाया जाता है। दोस्तों ये एनिमल की सेल है, इसमें आप देख रहे होंगे वैक्यूल कितनी छोटी है, न्यूक्लियस पाया जाता है इसमें साइटोप्लाज्म भी पाया जाता है। तो दोस्तों 2-3 डिफरेंस है, प्लांट सेल में क्या है वैक्यूल पाया जाता है, एनिमल में भी पाया जाता है, लेकिन प्लांट सेल में वैक्यूल 90% पार्ट ऑफ सेल को ऑक्यूपाई करता है, लेकिन सेल वॉल और प्लास्टिड ये केवल प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आज हमने क्या पढ़ा, डिफॉरेस्टेशन के बारे में पढ़ा, उससे नुकसान क्या है या उसके परिणाम क्या हैं, और हमने प्रोटेक्टेड एरिया के बारे में पढ़ा, रेड डाटा बुक के बारे में पढ़ा, आज हमने सेल के बारे में पढ़ा, सेल की खोज किसने की थी, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, न्यूक्लियस क्या होता है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, वैक्यूल क्या होती है, प्लास्टिड क्या होती है, सेल वॉल क्या होता है, इसके बारे में पढ़ा। तो दोस्तों आज हमने 2 चैप्टर कंप्लीट किया है कक्षा 8 की एनसीईआरटी का। यदि आपको दोस्तों कोई डाउट होता है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर पूछिए। धन्यवाद।